नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मेनरो और आप देख रहे हैं न्यूज 24 पंजाब हरियाणा। आगाज करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। 2022 के चुनाव जैसे ही नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही हर पार्टी की तरफ से कुछ ना कुछ नए उपराले करने शुरू कर दिए गए। आपको बता दें कि जहां कुछ समय पहले श्रोमणी अकाली दल के प्रधान और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की तरफ से 13 बड़े ऐलान किए गए थे, लेकिन उसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कहा गया था कि 2022 में जब सरकार आएगी तब पंजाब के जो जनता है उनको 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। लेकिन उसी के बाद अब देखने को यह मिल रहा है कि जो आम आदमी पार्टी है, पंजाब की आम आदमी पार्टी की तरफ से 2022 के चुनाव को लेकर लगातार कोशिशें शुरू कर दी गई। आपको बता दें कि कल पंजाब में आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली के सीएम हैं केजरीवाल की तरफ से गुरदासपुर का दौरा किया गया, जहां उन्हें सेवा सिंह सिखवा को आम आदमी पार्टी में शामिल कर दिया गया। आपको बता दें कि सेवा सिंह सिखवा जो श्रोमणी अकाली दल के एक्टिव लीडर थे वो अब आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। इस पर बड़ा देखने को मिला क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार पंजाब में सियासत बना के रख रही है। क्योंकि एक तरफ आपको बता दें कि जहां लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से कुछ ना कुछ नए उपराले किए जा रहे हैं, अब जो पंजाब में सियासी की हवा है, जो पंजाब में इस वक्त हवा देखने को मिल रही है, अब आम आदमी पार्टी की तरफ कह दें या फिर हम श्रोमणी अकाली दल की कह दें या फिर पंजाब कांग्रेस की, अब देखने वाला समय होगा कि 2022 के चुनाव में कौन सी पार्टी सत्ता पर आ सकेगी। पंजाब कांग्रेस में जहां लगातार सियासी जंग देखने को मिल रही है कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में, वहीं आपको बता दें कि जहां नवजोत सिंह सिद्धू के खेमे में 5 कैबिनेट मंत्री और 25 विधायक होने का दावा किया गया, वहीं दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए कल एक बैठक में बताया कि तकरीबन कैप्टन अमरिंदर सिंह के खेमे में 55 जो विधायक हैं और 8 के करीब कैबिनेट मंत्री बताए जा रहे हैं। इन अब सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि जहां नवजोत सिंह खेमे में जब नवजोत सिंह सिद्धू के जो 5 कैबिनेट मंत्री की तरफ से पंजाब के इंचार्ज हरीश रावत को मिलने के लिए देहरादून गए, ताकि उनका ये कहना था कि पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें बदल दिया जाए, लेकिन हरीश रावत ने बयान दिया कि 2022 की जो चुनाव है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह ही लड़ेंगे। उसी को देखते हुए कल जो एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू के जो खेमे के विधायक थे जितने 5 कैबिनेट मंत्री और 25 जो विधायक थे, वो कल एक मीटिंग के दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह के उस डिनर में पहुंचे। एक सबसे बड़ी आप बता दें कि जहां एक तरफ वो बगावत शुरू कर दी गई थी, लेकिन हरीश रावत के बयान के बाद अब फिर से कांग्रेस एकजुट होने को देखने को मिल रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीते दिन कैबिनेट मीटिंग के दौरान कुछ बड़े अहम फैसले लिए। आपको बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से सरकारी मुलाजम और पेंशनरों पर 15% जो तनख्वाह उनकी बढ़ाने की मांग की है। वहीं आपको बता दें कि पंजाब सरकार की तरफ से 1500 करोड़ रुपए का जो मता पास कर दिया गया है, इसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि जो लोग धरना लगा रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई तो की जाए, लेकिन उनकी बातें भी सख्त मानी जा सकें। पंजाब में जहां हर वर्ग के लोग लगातार अपने बातों को मनाने के लिए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं आपको बता दें कि पटियाला में बेरोजगार अध्यापकों की तरफ से जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। आपको बता दें कि जहां लंबे समय से जो कच्चे अध्यापकों की मांगें पक्के होने को लेकर लगातार सरकार के खिलाफ की जा रही है। आपको बता दें कि कल बीते दिन अध्यापकों की तरफ से भाखड़ा नंगल डैम पर धरना दिया गया, जिसमें जब पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार लाठीचार्ज भी की गई, पानी की बुछारें भी की गई, लेकिन उसके तहत कच्चे अध्यापकों की तरफ से कई अध्यापक जो थे वो नहर में छलांग भी लगा दी थी। आपको बता दें कि इसे देखते हुए पुलिस प्रशासन की तरफ से कड़ी जो उपराले भी की गए थे ताकि उन अध्यापकों को निकाला जा सके, लेकिन आपको बता दें कि उनकी यही मांगे हैं अध्यापकों की कि अगर पंजाब सरकार की तरफ से उन्हें जो लेटर नहीं दी जाएगी, जो पत्र नहीं दिया जाएगा पक्के होने का, तब तक जो ये धरना वो लगातार पटियाला में कैप्टन अमरिंदर सिंह के रहाइश के बाहर लगाया जाएगा।